गरीब की बेटी ने पहना मेहंदी वाला लहंगा चोली। नागपुर नाम के एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अंजलि जितनी ही गरीब घर की थी, उसके सपने उतने ही बड़े थे। तभी एक दिन अंजलि शीशे के आगे अपने आप को निहारते हुए कहती है, मेरी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं, इसलिए मैं अपने सपनों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे तो मुंबई जाकर अपने सपनों को पूरा करना है, बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनानी है। अंजलि इतना कह ही रही होती है कि उसी समय उसकी माँ सुमित्रा वहाँ पर आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, ये तू क्या दिन भर बस शीशे के आगे खड़ी रहती है, तेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या? अरे माँ, अपने इस खूबसूरत चेहरे को शीशे में देखने से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है? और देखना, एक दिन आपको भी लोग इस चेहरे के बदौलत जानेंगे, फिर उस दिन आप भी फेमस हो जाओगी अपनी बेटी की वजह से। अंजलि बेटा, हम कोई करोड़पति नहीं है, और तू क्यों बार बार भूल जाती है कि तेरे पिता एक गरीब मजदूर है और हम गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। इसलिए तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारे जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में शादी करवा देनी चाहिए। पर माँ, मुझे भी शादी नहीं करनी है, आपको तो पता है ना। उसी समय वहाँ पर अंजलि का पिता मनमोहन आ जाता है और वो कहता है, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा बाप तेरी शादी ऐसे ही किसी भी घर में नहीं कर देगा। माना कि तेरा बाप बहुत गरीब है, लेकिन तुझे पता है कि मेरा एक दोस्त है विनोद, जो इस समय शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन अभी तक हम दोनों की दोस्ती पहले की ही तरह बरकरार है, इसलिए उसने एक दिन मुझसे फोन पर अपने बेटे के रिश्ते के लिए पूछा था, तो मैंने भी उसे तेरा नाम बता दिया। और अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना बेटी, तो तू भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जा सकेगी, फिर तुझे अपने इस गरीब बाप की झोपड़ी में रहना नहीं पड़ेगा। अपने मजबूर माता पिता की ऐसी बातें सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, पिताजी, ये मेरे लिए कोई गरीब झोपड़ी नहीं है, ये तो मेरे बचपन का आशियाना है जहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ। और अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग जिससे भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। माँ, मैं दिव्या के घर जा रही हूँ। अंजलि की एक बहुत अच्छी सहेली थी दिव्या, और उन दोनों का बचपन एक साथ एक ही गाँव में गुजरा है, इसलिए वो अंजलि के हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। और दिव्या ने शुरू से ही फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था, इसलिए उसे लोगों को सजाना बहुत अच्छा लगता था और अंजलि को सजना, इसलिए उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ऐसी ही आज भी अंजलि अपनी दोस्त दिव्या के घर जाती है और उससे कहती है, दिव्या, तुझे पता है ना कि मैं मुंबई जाकर एक हीरोइन बनना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं अपने इस सपने को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे माता पिता मेरी शादी करवा रहे हैं। ये तो क्या कह रही है अंजलि, तुझे पता है ना कि तूने वो ड्रेस कितनी मुश्किल से खरीदी थी, तो अब तू उसका क्या करेगी? अब उस ड्रेस को तू ही रख लियो अपने पास। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने वो ड्रेस खरीदा था कि जब मैं भी किसी फैशन शो में जाऊंगी तो मैं उसी ड्रेस को पहनूंगी, लेकिन शायद अब मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उसी समय अंजलि की नज़र एक एडवर्टाइजमेंट पेपर पर जाती है और वो उसे उठाकर कहती है, अरे ये क्या है दिव्या? अरे यार देखो, मैं ये पेपर लेकर तुम्हारे पास ही आने वाली थी, लेकिन तुम्हारी बातों के आगे मैं सब भूल गई। तुझे पता है हमारे गांव में भी एक फैशन शो होने वाला है, तो क्यों ना तू अपनी शादी से पहले एक बार इस फैशन शो में भाग ले ले, इससे तू अपनी वो ड्रेस भी पहन पाएगी और तेरा रैम्बो करने का सपना भी पूरा हो जाएगा, वरना शादी के बाद पता नहीं फिर तुझे ये मौका मिले ना मिले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, थैंक यू सो मच दिव्या, तुझे नहीं पता मैं ये सुनकर कितनी खुश हूँ, कम से कम मेरा एक सपना तो पूरा होने जा रहा है। दिव्या की बात सुनकर अंजलि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। लेकिन दिव्या, ये फैशन शो कब है? बस आज से दो दिन बाद। अरे यार, ये तो बहुत कम टाइम है, तुझे तो अभी मेरी ड्रेस की फिटिंग भी करनी पड़ेगी। अरे यार, तू उसकी चिंता मत कर, सब हो जाएगा। ऐसे ही अगले दिन अंजलि अपने ड्रेस लेकर दिव्या के पास जाती है और दिव्या अंजलि के बॉडी के हिसाब से उस ड्रेस को फिटिंग कर देती है।
और उसके अगले दिन अंजलि अपने ड्रेस को चुपके से लेकर दिव्या के घर चली जाती है, जहां दिव्या अंजलि को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करती है। और तैयार होने के बाद अंजलि किसी खूबसूरत हीरोइन से कम नहीं लग रही थी, और रैंप वॉक करते समय अंजलि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही होती है, और उसकी खूबसूरती देखकर वहां पर आए सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उसी समय एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर अंजलि के पास आता है और उससे कहता है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपने अपना ये ड्रेस कहाँ से डिजाइन करवाया है? क्या आपकी कोई पर्सनल डिजाइनर है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैंने अपने गांव के एक छोटे से दुकान से खरीदा था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये सिंपल सी ही ड्रेस खरीदी थी। ये तो मेरी सहेली ने इस पर कुछ फ्लावर और मोतियां लगाकर इसे और भी ज्यादा सुंदर बना दिया। सच कहूं, वैसे तो यहां पर बहुत सारे सुंदर सुंदर मॉडल्स हैं, लेकिन आपकी सुंदरता और आपकी सादगी के आगे ये सब कुछ नहीं है, इसलिए इस फैशन शो की विनर बनने की असली हकदार आप हैं। और इस तरह अंजलि वो फैशन शो जीत जाती है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और वहीं वो फोटोग्राफर अनुज अंजलि की सादगी पर अपना दिल हार बैठता है। इसलिए अगले दिन जब विनोद अपने बेटे अनुज से कहता है, अरे बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरे दोस्त की बेटी को देखने भी तो चलना है। डैड, मुझे किसी लड़की को नहीं देखना है, क्योंकि मुझे पहले ही कोई और लड़की पसंद आ चुकी है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैंने अपने दोस्त को जवान दी है, तो तुम एक बार उसकी बेटी को चलकर देख तो सकते हो, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। और इस तरह अपने पिता की बात मानकर अनुज मनमोहन की बेटी अंजलि को देखने उसके घर आता है, और अंजलि को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो फटाफट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई, तो अब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा देते हैं। इस तरह विनोद मुंबई के एक बड़े से रिजॉर्ट में शादी की सारी तैयारियां करवाता है, जहां पर मुंबई की बड़ी बड़ी हस्तियां शादी में शामिल होती हैं, और अंजलि अपने ससुराल से आया हुआ लहंगा ही पहनकर तैयार हो रही होती है। अब मेरी दोस्त बिल्कुल रेडी है, इसलिए अब तो नीचे जा सकती है। इतना कहकर दिव्या अंजलि को लेकर नीचे जा ही रही होती है कि उसी समय डेकोरेशन की तारों में अंजलि का पैर फंस जाता है, और नीचे लगे फ्लावर के कांटों में फंसकर अंजलि का ब्लाउज और लहंगा फट जाता है, जिसे देखकर अंजलि बहुत घबरा जाती है, और वो कहती है, दिव्या अब क्या होगा, मेरा लहंगा और चोली तो इस कांटे में फंसकर फट गया, अब मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तू बस जल्दी से मेरे साथ कमरे में चल। दिव्या अंजलि के ब्लाउज के पूरे बैग के कपड़े को ही काट कर निकाल देती है, और दोनों हिस्से को एक सुंदर सी डोरी से जोड़ देती है, और उसके लहंगे के फटे हुए कपड़ों को भी काट कर निकाल देती है। उसी समय अंजलि कहती है, ये कैसा लहंगा और चोली है, तूने तो उसका आधा कपड़ा ही काट कर निकाल दिया। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, तुझे तो मेरे हाथों के जादू का पता ही है, बस मेरे हाथ में एक बार मेहंदी की आने दे, फिर कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये मेहंदी है या फिर ब्लाउज और लहंगे का कोई नया डिजाइन। इतना कहकर दिव्या अंजलि के बैग पर मेहंदी से ब्लाउज का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना देती है, और कटे हुए लहंगे की जगह पर भी मेहंदी से बहुत ही सुंदर डिजाइन बना देती है, जिसके बाद अंजलि का न्यू डिजाइन का मेहंदी लहंगा और ब्लाउज देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। उसी समय अनुज का एक दोस्त किशोर वहाँ पर आता है, और वो अंजलि से कहता है, हेलो अंजलि, मैं अनुज का दोस्त किशोर हूँ, और मैं एक फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ, और मुझे तुम्हारी जैसी ही किसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी, तो अगर तुम चाहो तो हम आगे साथ में काम कर सकते हैं। किशोर बिल्कुल सही कह रहा है अंजलि, और मेरे लिए तो ये और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर तुम घर पर नहीं होगी तो मैं तुम्हें कम से कम टीवी पर तो देख लूंगा। और हाँ अंजलि, तुम्हारे ये ब्लाउज और लहंगे का डिजाइन तो सबसे यूनिक है, मैंने आज तक किसी भी लहंगे और ब्लाउज का ऐसा डिजाइन नहीं देखा, क्या तुम्हारी कोई पर्सनल डिजाइनर है क्या? अरे नहीं, ये मेरी कोई पर्सनल डिजाइनर नहीं है, बल्कि ये मेरी दोस्त है, और अगर आप चाहे तो मैं आपको उससे मिलवा सकती हूँ। क्यों नहीं, जरूर, क्योंकि मैं भी अपनी फिल्मों में नई नई डिजाइन के कॉस्ट्यूम ट्राई करता रहता हूँ,
तो आप मुझे उनसे मिलवा देना। ऐसी ही कुछ ही देर में अनुज और अंजलि की शादी हो जाती है और शादी के बाद अंजलि को बहुत सारे फिल्म और मॉडल्स के ऑफर मिलने लग जाते हैं और अंजलि की सारी ड्रेस अब दिव्या ही डिजाइन किया करती थी और इस तरह अंजलि के साथ साथ दिव्या की किस्मत भी चमक जाती है। गरीब की काली बेटी की शादी। राखी की उम्र अब 21 साल की हो गई थी और उसके माता पिता को अब दिन रात उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी क्योंकि राखी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी और गरीब भी, इसलिए उससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। और राखी का एक छोटा भाई था राहुल, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता था। और ऐसे ही एक दिन राखी के पिता उमेश अपनी पत्नी शांति से कहते हैं, शांति अब तो मुझे लगता है कि भगवान को किसी गरीब के घर बेटी को जन्म देना ही नहीं चाहिए। सही कह रहे हो जी आप, आजकल के लोग लड़की के गुण उसकी अच्छाई से नहीं देखते बल्कि उसकी ऊपरी सुंदरता और दहेज में अपने साथ क्या लेकर आ रही है, बस यही सब आजकल के लोग देखते हैं। मुझे तो बस दिन रात अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती है कि कहीं उसके काले रंग और हमारी गरीबी की वजह से उसकी उम्र ना निकल जाए। उमेश इतना कह ही रहे होते हैं कि उतने में वहाँ पर राहुल आ जाता है और वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेता है और कहता है, पिताजी इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। अगर आज आपने दीदी को आगे पढ़ने दिया होता तो शायद तो वो भी आज अपने पैरों पे खड़ी होती और फिर आपको उनकी शादी के लिए यूं लोगों के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। राहुल चुप बिल्कुल, जब तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तू यूं बीच में सलामत दिया कर। और तुम्हें पता है लड़कियां चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन आखिरकार उन्हें शादी करके दूसरे का घर ही संभालना होता है। तो फिर आप लोग इतना हाथ पैर क्यों मार रहे हैं, कर दो ना दीदी की शादी। अरे माँ आजकल ऐसी सोच कौन रखता है, आपको पता है आजकल लोग अपनी पढ़ाई के जरिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं और मेरी दीदी पढ़ाई में मुझसे भी ज्यादा तेज थी, तो अगर आज आप लोगों ने उन्हें मौका दिया होता तो शायद तो भी आज अपनी जिंदगी में कुछ कर ली होती। राहुल अब तुम अपनी बकवास बंद कर और अंदर जाकर अपने कपड़े बदल। इतना सुनकर राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी राखी उससे कहती है, राहुल माँ बाबा से इस तरह बात नहीं करते, वो हमारे बड़े हैं तो वो जो भी हमारे बारे में सोचेंगे वो अच्छा ही होगा। क्या अच्छा सोचते हैं दीदी, अगर आज उन लोगों ने आपको आगे पढ़ने दिया होता तो आज आप भी किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही होती तो आपके लिए भी रिश्तों की लाइन लग जाती। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब तुम शांत हो जाओ और खाना खा लो। एक तो दीदी आप भी ना, कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाती हो। अरे तो मैं किसके सामने अपनी आवाज उठाऊं, वो सब मेरे अपने ही तो हैं। इतना कहकर राखी राहुल को शांत करवा देती है। और कुछ दिनों बाद प्रेमलता नाम की एक औरत एक रिश्ता लेकर राखी के घर आती है और कहती है, अरे राखी की माँ मैं तेरी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता लाई हूँ। वैसे तो लड़के वाले बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और उनके घर में कई नौकर चाकर भी हैं, तो तुम्हारी बेटी वहाँ पर राज करेगी राज। प्रेमलता बहन लड़का क्या करता है? अरे शहर की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है लड़का और बहुत अच्छा खासा कमा लेता है। अरे जब वह लोग इतने ज्यादा अमीर हैं तो वो मुझ जैसे गरीब की काली बेटी से शादी क्यों करना चाहेंगे? अरे क्योंकि उन लोगों को गांव की एक सीधी साधी लड़की चाहिए, उनको रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने उन लोगों को तुम्हारी बेटी के बारे में बताया था तो मालकिन ने हाँ कह दिया। इसलिए अब तुम ज्यादा मत सोचो राखी की माँ और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। इतना सुनकर शांति और उमेश इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों में राघव के साथ राखी की शादी हो जाती है और दहेज के नाम पर उमेश से जितना कुछ बन पाता है वह राखी को छोटा मोटा सामान दे देते हैं। लेकिन आज वह इस बात से बहुत खुश थे
कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में की है जहां उसे कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब राखी शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास मेनका उससे कहती है, अरे इधर उधर क्या देख रही हो, आज तक तुमने कभी इतना बड़ा घर देखा भी है? नहीं मम्मी जी, सच में आपका घर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अरे तो तब भी तेरे बाप से इतना नहीं हुआ कि वो तुझे दहेज में कोई ढंग का सामान दे दे? अरे हमने तो वैसे भी कोई मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी तेरे बाप ने जो भी दिया है कम से कम ढंग का तो दे देता। अरे ऐसे सामान तो हमारे घर के नौकर तक यूज नहीं करते जैसे तेरे बाप ने दिया है तुझे। उसी समय मेनका की बेटी रोजी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे माँ मैंने सुना है कि ये जो गरीब घर की लड़कियाँ होती है ये खाना बड़ा अच्छा बनाती है, तो मेरी प्यारी भाभी जी आप ऐसा करिए, आप हम लोगों के लिए फटाफट से खाना बना कर ले आइए। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना कर ले आती हूँ, आप बस मुझे बता दीजिए कि रसोई कहाँ है। राखी को बहुत अजीब लग रहा होता है कि वे सब लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, इसलिए राखी चुपचाप रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है और कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोस देती है। और खाना खाते ही राघव कहता है, खाना तो तुम ठीक ठाक ही बना लेती हो, चलो अब नौकर के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वैसे भी राखी तुम्हें पता है हमारे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा था मैं एक गरीब घर की लड़की ही लेकर आऊंगी जो हमारे सामने कभी अपना सर न उठा सके, इसलिए तुम भी हमेशा अपनी औकात में रहना और मेरे सामने कभी भी अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश मत करना। जी मम्मी जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। कहने को तो राखी इतने बड़े घर की बहू थी, लेकिन उस घर में उसकी हालत सिर्फ एक नौकरानी के जैसी थी, क्योंकि हर छोटी छोटी बात और हर किसी गलती पर मेनका और रोजी उसे हमेशा नीचा दिखाया करते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे भाभी आज मेरी कुछ फ्रेंड घर आ रही है, इसलिए आप ये वाले कपड़े पहनकर उनके सामने आना, क्योंकि मुझे आपको ये गरीबों वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप मेरे फ्रेंडों के सामने मेरी इंसल्ट मत करवा देना। पर रोजी मेरे इन कपड़ों में आखिर खराबी क्या है? अरे कौन से कपड़े, आप इन्हें कपड़े कहती हैं? अरे ऐसे कपड़े तो हमारे घर के नौकर तक नहीं पहनते और आप इसे कपड़े कह रही हो? अरे लगता है अभी तक आपको हमारे स्टैंडर्ड का पता नहीं चला, पता नहीं कौन से घटिया मार्केट से आपके बाप ने आपको ये कपड़े खरीद कर दिए थे। रोजी इतना कह ही रही होती है कि उसी समय वहाँ पर राहुल आ जाता है और वह रोजी की सारी बातें सुन लेता है। अरे आप किस तरह बात कर रही हो मेरी दीदी से? अरे राहुल तुम कब आए, और छोड़ो इन बातों को, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राखी राहुल को अपने कमरे में लेकर जाती है, जहां राहुल उससे कहता है, दीदी वो किस तरह आपसे बात कर रही थी और आप चुपचाप ये सब सुन रही थी, इसका मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बताओ दीदी और मुझे सब कुछ सच सच बताना। राहुल के इतना कहने पर राखी उसे सारी बातें बता देती है। तभी राहुल कहता है, इतने घटिया लोगों के साथ आप कैसे रह रही हो दीदी, अरे मुझे तो इन बड़े लोगों पर पहले ही भी विश्वास नहीं था, लेकिन मेरा सुनता कौन है? तुम परेशान मत हो राहुल, सब ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और उसी बीच राखी एक बेटी को जन्म देती है। अरे पहले ही हम इस मनहूस को अपने घर उठा कर ले आए और अब इसने अपनी ही जैसी एक मनहूस को और जन्म दे दिया है। अरे राखी मुझे अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए था, लेकिन तुमने एक बेटी को जन्म दिया है। इस तरह से मेनका और राघव राखी और उसकी बेटी को ताने देने लगते हैं, और राखी उन लोगों की बातें सुन सुनकर मन ही मन कमजोर पड़ती जा रही होती है। और उसी बीच राहुल अपनी बहन और उसकी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है, और अब राहुल वकालत की पढ़ाई करके एक बढ़िया वकील बन चुका था। दीदी क्या हुआ, आज आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हो, ये लोग आपका ख्याल नहीं रखते क्या? नहीं राहुल ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ
माँ बाबा कैसे हैं? उन लोगों ने तो मेरी शादी करने के बाद कभी मेरा ठीक से हालचाल तक नहीं पूछा, जैसे कि मैं उन लोगों पर बोझ थी। क्या हुआ दीदी, आज आप मुझे सच में बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। सही कहा तुमने राहुल, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे इसमें मेरा क्या कसूर था कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुई, और अगर आज मेरे माँ बाबा ने मुझे पढ़ाया होता तो मैं जरूर अपनी जिंदगी में कुछ कर लेती। इस तरह इस घर में एक गरीब बाप की बेटी की जिल्लत तो नहीं सह रही होती। अरे वे लोग तो चैन की नींद सो जाते होंगे ये सोचकर कि बेटी को बड़े घर में विदा किया। लेकिन वो बेटी खुश है या नहीं, इनसे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल अपनी बहन की यह हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और अपनी बहन से कहता है, दीदी आप अभी मेरे साथ घर चलिए, जब इस घर के लोगों को आपकी कदर नहीं है तो आपको यहाँ रुकने का क्या फायदा है। इतना कहकर राहुल अपनी बहन और उसकी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बातें बता देता है। तभी शांति कहती है, ये क्या किया तुमने राहुल बेटा, लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका सब कुछ होता है। अरे तो मैं क्या करता, दीदी को ये सब चीजें चुपचाप सुनने देता। अरे इसमें दीदी की क्या गलती है, यही कि वो आपके घर में पैदा हुई, इसलिए मेरी एक बात आज आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। दीदी अब यहीं रहेगी और अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी, और उनका सारा खर्चा अब मैं उठाऊंगा। और इस तरह राखी अपनी बची हुई आगे की पढ़ाई पूरा करती है और एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगती है और अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगती है। इस तरह वो अपनी बेटी का भी एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवा देती है। और राखी के त्योहार वाले दिन वो राहुल को राखी बांधते हुए कहती है, राहुल मेरे प्यारे भाई, सच में आज तुमने एक भाई होने का फर्ज अदा किया है, और आज मुझे यह राखी बांधते हुए तुम पर सच में बहुत गर्व हो रहा है।